समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रेस में भाजपा को पीछे कर देना चाहती है। यही वजह है कि अभी से उसका जोर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप देने पर है। इसके लिए धुआंधार काम चल रहा है। सीट पर गुना गणित अंतिम दौर में है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब तक अपने करीब 10 से 12 नेताओं को मैदान में उतारने के संकेत दे चुकी है। अगस्त सितंबर तक सभी उम्मीदवार फाइनल किए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सपा ने 36 खास सीटों की पहचान पर उस पर जबरदस्त मोर्चेबंदी शुरू कर दी। ...2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा से एक कदम आगे रहना चाहती है। लगातार हो रही बैठकों के बीच अब ये खबर है कि सपा ने 80 में से कई सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भी करीब करीब फाइनल कर लिया है। पहले चरण में उन सीटों को फाइनल किया गया है जहां सपा या तो मजबूत है या फिर भाजपा के सामने सीधे मुकाबले में है। सबसे पहले उन सीटों के बारे में जानिए जहाँ सैफई परिवार के सदस्यों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी से ही चुनाव लड़ सकती हैं। शिवपाल यादव के लिए फिरोजाबाद का नाम सामने आया है, जबकि आजमगढ़ से इस बार तेज प्रताप या अक्षय यादव चुनाव लड़ सकते हैं। धर्मेंद्र यादव एक बार फिर बदायूं से ही लड़ते नजर आएंगे। जौनपुर से भी मुलायम परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयारी की संकेत हैं, तैयारी के निर्देश हैं और तैयारी में पूरी पार्टी लगी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के बूथ का नेता सब लोग लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनका समाज के भले से देश के भले से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत एजेंडे रहते हैं, उसी पे ये काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 पूरे 5 साल मेहनत करता है, पूरे 5 साल जनता के बीच में रहता है। अखिलेश यादव की कोशिश सभी 80 सीटों पर मजबूती के साथ दावा ठोकने की है। हालांकि अभी तक सिर्फ 36 सीटों पर ही संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। सपा उन इलाकों में भी तेजी से मंथन कर रही है जहां पार्टी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अयोध्या के विधायक अवधेश प्रसाद का टिकट फाइनल माना जा रहा है। गाजीपुर से ओम प्रकाश सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है, जबकि फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात यह है कि पार्टी अपने विधायक मनोज पांडे को सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़वा सकती है। पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी है। आप भी कह रहे हैं, जनता भी कह रही है, हम आप सब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी समाज की नहीं, वो परिवार की पार्टी है। लड़ाएंगे तो अपने परिवार के ही किसी न किसी को कहीं से लड़ाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से जान चुकी है जो इनके परिवार के सीटें थी पार्लियामेंट की, वो सारी सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। सिर्फ विधायक और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, कुछ सीटों पर प्रभारियों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पार्टी ने जिन 36 सीटों को चिन्हित किया है वहां लगातार जमीन पर काम किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह या डॉक्टर आर के पटेल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। चित्रकूट से शिवशंकर पटेल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर से कांग्रेस से आने वाले हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाने की चर्चा है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रयागराज से किसी फिल्मी हस्ती के सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। एक पूर्व क्रिकेटर को भी सपा इस बार लोकसभा का टिकट दे सकती है, जबकि एक राज्यसभा सदस्य को भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। मुरादाबाद से एसटी हसन को दोबारा टिकट देने की चर्चा है। भाजपा का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है उत्तर प्रदेश में, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। समाजवादी पार्टी का साथ सब लोग दें, बैठ के ये तो मेरे बड़े नेता और सारे बड़े नेता डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, लेकिन मेरी हम लोग यही चाहते हैं कि गठबंधन के साथ चुनाव होना चाहिए, वोट का बिखराव नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है, सबको छोड़िए, वह जो है आजमगढ़ जैसे हारे हैं उपचुनाव में, वैसे ही जनरल इलेक्शन में इस बार जो है डिंपल जी भी चुनाव हारेंगी, मैनपुरी भी भारतीय जनता पार्टी इस 2024 के चुनाव में जीतने जा। सपा के इस संभावित फैसले पर सवाल कई हैं, क्योंकि 23 जून को पटना में बैठक होने वाली है जिसमें महागठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है, और उससे पहले ही सपा का इस तरह अपने हिसाब से दावा ठोकना एक नए विवाद को जन्म दे सकता है।
हालांकि अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि जो भी पार्टियां भाजपा को हराना चाहती हैं, वो सपा के साथ हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसी तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने ये तय कर लिया है कि कौन चुनाव लड़ेगा और अगस्त या सितंबर के महीने में उन उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा पार्टी कर देगी। यानी इस बार बदली हुई रणनीति समाजवादी पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। कुल मिलाकर सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट फाइनल करना अभी से ही शुरू कर दिया है ताकि चुनाव नजदीक आने पर किसी तरह का विवाद न खड़ा हो। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।